महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह का भूचाल आया है उससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ होना कैसे बाकी रह सकता है। सियासी उठापटक के पांचवें दिन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के घर पर तोड़फोड़ की है। ये तोड़फोड़ शिवसेना सांसद संजय राउत की चेतावनी के कुछ घंटों बाद ही की गई है। वहीं शिंदे ने कहा है कि विधायकों की सुरक्षा हटा ली गई है, अगर उनके परिवार को कुछ हुआ तो उसके लिए उद्धव और आदित्य जिम्मेदार होंगे। इधर सियासी हंगामे को देखते हुए उद्धव ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक गुवाहाटी में बागी विधायकों ने शिवसेना बाला साहेब ठाकरे नाम से नए गुट बनाने की घोषणा की। इस गुट में शिवसेना के 38 विधायक को शामिल किया गया। सभी के नामों की एक सूची भी जारी की गई है। इससे पहले शिंदे ने 23 जून को 34 शिवसेना विधायकों की सूची जारी की थी। महाराष्ट्र में सरकार गिरने के लिए शिंदे को सिर्फ 37 शिवसेना विधायकों की जरूरत है। गुवाहाटी में 2 बजे बैठक के बाद शिंदे समूह के प्रवक्ताओं के नाम की घोषणा की संभावना जताई गई है। दीपक केसरकर, दादा भूसे, भरत गोगावले, बच्चू कड़ू को प्रवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि मुख्यमंत्री या गृह मंत्रालय ने राज्य के किसी भी MLA की सुरक्षा हटाने का आदेश नहीं दिया है। इस संदर्भ में ट्वीट करके लगाए गए आरोप पूरी तरीके से गलत और गुमराह करने वाले हैं। जालना में शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री अर्जुन खोदकर की 78 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त कर लिया है। इसमें 200 एकड़ जमीन और एक कारखाना और कुछ फ्लैट शामिल हैं। खोदकर उद्धव गुट के नेता माने जाते हैं। ये कार्रवाई देर रात की गई है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस भी सहयोगी दलों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। वे कुछ देर में सामाजिक न्याय और आधिकारिक राज्य मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात कर सकते हैं। इसी के साथ एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 23 जून तक कानून व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। क्षेत्र में लाठी, हथियार, पोस्टर चलाना, पुतला जलाने पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान नारे लगाने या स्पीकर पर गाने बजाने की भी अनुमति नहीं दी गई है। अब इसके साथ ही हम आपको घमासान के बीच 2 बड़े बयान बता देते हैं। पहला, संजय राउत ने बोला है कि शिवसेना आग है, आग से मत खेलो, हम चुप हैं इसका मतलब नामर्द नहीं है, शिव सैनिक भड़के तो सब कुछ जल जाएगा, जनता में आक्रोश है और गुवाहाटी में बैठे लोगों को ये दिख नहीं रहा है। इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा है कि विधायकों की सुरक्षा हटा ली गई है, अगर उनके परिवार वालों को कुछ हुआ तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और संजय राउत और साथ ही आदित्य ठाकरे जिम्मेदार होंगे। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि शिंदे ने नहीं मानी मेरी बात। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार शाम शरद पवार के साथ 2 घंटे मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने शिवसेना के नगर सेवकों को संबोधित किया। ठाकरे ने कहा कि कुछ दिन पहले जब मुझे बगावत का शक हुआ, मैंने एकनाथ शिंदे को फोन किया और कहा कि शिवसेना को आगे ले जाने का अपना कर्तव्य निभाओ, ऐसा करना सही नहीं है। स्पेशल स्टोरी डेस्क, वॉइस ऑफ भारत।